दिलशाद भाई, मुंबई हलचल का आज एक प्रोग्राम था और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हुआ जो कॉलेज के बच्चों लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ा है, उनका स्पिरिट उन्होंने बढ़ाया है और आगे सोसाइटी को पे बैक कैसा करना है, एक एक बच्चों ने उनकी बातें बताया, उनका विजन बताया, इट वॉज़ रियली इम्प्रेसिव। और ये रोट्रैक क्लब से जो ये लोग आगे के काम बढ़ा रहे, आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड हमारे लायक कुछ भी कहा होगा हमारे प्लेटफॉर्म से, वी आर ऑलवेज देयर विद देम। थैंक यू। सोशल प्रोग्राम तो हमेशा होते रहते हैं, डिफरेंट एनजीओज उसको करते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि यूनिटी का एक प्लेटफॉर्म बढ़े और इन माय ओपिनियन एक ऐसी टीम बढ़ते बढ़ते एक और स्पिरिट इतना बढ़ जावे, क्योंकि अपना जो हिंदुस्तान जो है वो इतना ब्यूटीफुल अपना कल्चर है कि डिफरेंट उसमें कल्चर्स है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट कास्ट है, बट सब एक हो जाते हैं जब भी कोई मुसीबत आती है तो। और ये बच्चों में मैंने आज जो जज्बा देखा हूँ, मैं उनकी कदर करता हूँ और आगे भी उनके साथ में कोई भी काम होता है हमारे प्लेटफॉर्म से हम उनकी मदद करेंगे और इस जुड़ के इसको और बेटर वे में प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू। इट वॉज अ वेरी ग्रेट प्रोग्राम, वेरी इन्फॉर्मेटिव, ऑल्सो इट वॉज वेरी मच इंकरेजिंग फॉर द स्टूडेंट। ऐसे प्रोग्राम होते रहें तो काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा स्टूडेंट को, जो कि बहुत ही सोशल कॉज के लिए लोग हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाओं में इन्वॉल्व हैं, जैसे चाइल्ड अब्यूज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ओल्ड एज पीपल। सो जो भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। दैट वॉज अ ग्रेट इंकरेजमेंट फॉर द स्टूडेंट एंड आई थिंक आई होप दिस मुंबई हलचल टीम कंटिन्यू दिस डूइंग यू नो सोशल वर्क। थैंक यू। आज का जो प्रोग्राम है ये हमारे देश के यूथ्स को आगे बढ़ावा देने के लिए जो है एक इंकरेजमेंट के तौर पर है और मैं पर्सनली काफ़ी प्रेरित हूँ कि ये जो हमारे यंग जनरेशन जो है इन्होंने अलग अलग स्तर पर जो है इंडिविजुअली और ग्रुप वाइज उन्होंने कोशिश किया है और हमारा बहुत सारा सपोर्ट उनके साथ है, हमारा सारा शुभकामनाएं उनके साथ है कि ये बच्चे हमारे देश के एक भले नागरिक बने और हमारे इस देश को एक बेहतरीन देश बनाने के लिए इनका कॉन्ट्रीब्यूशन सदा रहे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। आज के इवेंट को लेकर हमेशा हम यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, यूथ डेवलपमेंट की बात करते हैं एंड हमारा जो नेशन है इट्स ऑल अबाउट यूथ, क्योंकि इनके जो आइडियाज़ होते हैं, इनोवेशन होते हैं और क्रिएशन होते हैं बहुत ही वंडरफुल होते हैं। और आज जो हमने इनिशिएटिव लिया है जिस तरीके से मुंबई हलचल ने, टू अप्रिशिएट देम इट वॉज वंडरफुल एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इट वॉज अमेजिंग एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट वॉज वंडरफुल एंड आई रियली फील ऑनर्ड एज फ्लोरेंट फाउंडेशन वॉज अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। आई एम स्पीचलेस सीइंग द स्माइल ऑन द फेस ऑफ द स्टूडेंट्स। Event is fantastic. Hats off to Dilshad ji and Mumbai Halchal for organizing such a beautiful event for encouraging the youth of today. That's all. Arsing Manko hai. I am from RCUPG, Usha Pravin Gandhi College, and main filhal FI mein hu, FI BMMC. हाँ जी, तो हमारा रोट्रैक क्लब ने एक बड़ा सा फ्लैगशिप इवेंट किया था यूजुअली रिसेंटली मौजे मंच, जहाँ पे हमने एनजीओ किड्स के लिए एक फन फेयर ऑर्गेनाइज किया था। सो हमने उस इवेंट का आज फेलिसिटेशन रखा है, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, दिन रात की मेहनत लग गई है एक पूरे महीने की एंड टू बी ऑनेस्ट लोगों का इतना टाइम रहता नहीं किसी व्यास देने को, पर सबने देवर काइंड इनफ कि उन्होंने टाइम दिया हमें और सबने अच्छे से काम किया, मेहनत किया, इसलिए 13th of Feb वॉज एन अमेजिंग डे फॉर एवरीवन। सो हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा इवेंट था और सबसे ज़्यादा सीखने हमें मिला यहाँ पे, लास्ट मिनट थिंकिंग में क्या करना अच्छी है, फिर टीम वर्क कैसे करना है, लोगों को कैसे कमाना है, लीडरशिप स्किल सीखी है सिंस आई वॉज इन HOD एज वेल, सोशल मीडिया HOD। तो हाँ, तो मैं वही कहना चाहूँगा कि काफ़ी कुछ सीखने मिला इवेंट से एंड आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द पीपल हु आर स्टडिंग राइट नाउ, देर इज अ लाइफ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो आप लोगों को वो भी फोकस करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तो आई गेस ये हमें बचपन से क्योंकि सिखाया जाता है हेल्प अदर्स एंड वी ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स, क्योंकि एक फ्रेज भी है तेरे पाने सरबत दा पाला, दैट मीन्स आप हमारा भी भला करो और दूसरों का भी भला करो, हमें से भगवान से हमेशा मांगते हैं। सो हाँ, वो है एंड दैट इज़ व्हाट आई पेरेंट्स टीचर्स एंड आई फील कि ये हमें हर एक के अंदर डालनी चाहिए इन्फॉर्मेशन और उनको बोलना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए टू हेल्प अदर्स, क्योंकि किसी और की खुशी में हमारी खुशी है
और इस तरीके से आज ही सुबह भी मैं एक बीच क्लीन अप पे गया था हिमकुंड फाउंडेशन के साथ में. सो दिस इज नॉट समथिंग न्यू टू अस एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग लाइक दिस ऑलवेज. आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज कि हमें इतना बड़े सर के साथ अपॉर्चुनिटी मिली, बात करने की अपॉर्चुनिटी मिली. हेलो सर. हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि टीम को बुला लो फटाफट. मैं ये कहना चाहूँगा कि इट वॉज एक्चुअली सरप्राइजिंग फॉर अस कि RCUPG पे सर ने हमें ब्लेसिंग्स दी, सर आके हमारे साथ सपोर्ट किए, इतना सब उनको हेल्प किया, इतने सारे आज इतना बड़ा जो इवेंट है सर के कारण ही हुआ है. तो हाँ, मैं वही कहना चाहूँगा एंड यू हैव एक्चुअली बीन इंस्पायरिंग मी अलॉट बिकॉज मैं इवेंट में आ नहीं पाया था कुछ रीजंस के कारण, बट आपको अभी देखते हुए मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट आई एम गोइंग टू फॉलो हिज पाथ एंड हेल्प अदर्स एंड हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा, कैसा है ये प्रोग्राम जो रखा था हमने? ये बच्चे कोरोना में और वैसे भी सब बहुत काम करते हैं और उसमें करने के बाद कैसा है, एक प्रोग्राम करते हैं, अभी फरवरी में प्रोग्राम किया था वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था. फिर एक ऐसा लगता है ना कि बच्चों को अगर थोड़ा सा एप्लीकेशन सर्टिफिकेट दे के अपन इनको थोड़े हौसले बढ़ाएंगे, इनके लिए आगे इनका फ्यूचर है, ये खुश होंगे. आज इनको इन लोगों ने हमको स्टेज पर देखा है तो मोटिवेशन करने का मतलब कल आप इन बच्चों को भी मेरा बोलने का है कि कल तुम ये टेबल पर तुम आना चाहिए, मतलब ऐसा. तो इसके लिए इन लोगों को जितना मोटिवेशन अपने से हो सकता हमने किया है और आगे उनका फ्यूचर है अच्छा हो और आगे कामयाब हों और अच्छे अच्छे काम करें. जिस तरह से आज ये लोग हमारे उसके वेलकम के लिए कर रहे हैं कि कल इनका वेलकम हम लोगों के थ्रू या दूसरे और करने चाहिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. सो माय नेम इज़ रोट्रैक्टर अक्षत भाटिया एंड मैं चेयरपर्सन था ये इवेंट का जो 13th को हमने किया, जिसका नाम मौजे मंच था. ये इवेंट हम लोग पिछले 12 साल से कर रहे हैं और ये इसका 12th ईयर था. और बेसिकली ये एक डे होता है जहाँ पे हम पूरा दिन बच्चों के साथ बिताते हैं, राइट फ्रॉम मॉर्निंग 7 to night 8. तो ये इवेंट में हम बेसिकली एक स्मॉल फन एंड फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि बच्चों जो है कि उनका एजुकेशनल स्किल्स बढ़े, उनको नई चीज़ें मिले देखने के लिए. और ये इवेंट जब ख़त्म हुआ, जो लोगों जो बच्चों के चेहरों पे जो स्माइल थी, तो वो देख के ही हमारा मतलब जो गोल था, जो हमारा मोटिव था, वो फुलफ़िल हुआ. एंड उसमें मिस्टर दिलशाद खान ने हमारी बहुत हेल्प की. वो हमारे मीडिया पार्टनर थे, वो हमारे चीफ गेस्ट थे और जहाँ पे भी लाइक फाइनेंशली कहाँ पे भी हेल्प हमें चाहिए थी तो उन्होंने हमारी हेल्प की. और आज मतलब 10-15 दिन हो गए एंड उन्होंने हमारे लिए एक बढ़िया सा फेलिसिटेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें हमने 26 लोगों को फेलिसिटेट किया, जो बेस्ट मेंबर्स थे, एक्टिव मेंबर्स थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स थे, को टीम थी और 2 CP थे. एंड ये तो थे ही, बट बल्कि जितने भी लोग यहाँ पे आए, 50-60 लोग, उनको सबको उन्होंने गिफ्ट्स दिलवाए ताकि उनका एनकरेजमेंट बढ़े, उनका मॉरल बढ़े और उनको लाइफ में और जो भी ऐसी चीज़ें आई वो पार्टिसिपेट करें. सो मेरा कहने का यही था. सो मैं चाहता हूँ कि एक दिशा जी फोटो हो जाए. We are firstly very grateful to Mumbai Halshul for making this event a grand success. MEM was being conducted since 5 years. Bas is saal hi uska kuch inhone itna mega launch kiya ki we'll remember this entire MEM for our entire life. This was really a great initiative from Mumbai Halshul to provide us with such a great party for making us boost and bolster in the social service activities that is being conducted in RCUPG.